बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान तरीका है गर्मी में दही परफेक्ट जमाने का। दही गाढ़ा भी होगा, मीठा भी होगा, जायकादार भी एक परफेक्ट होगा। तो इसका गर्मी में तरीकाकार क्या है? बहुत आसान तरीका है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर ही आपको समझ आने वाली है, क्योंकि हर चीज़ का एक जो तरीका होता है वही तरीका इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। हमने लेना है दूध और दूध को कढ़ाई में डाल के करना है गर्म, मतलब गर्म करना है। इसको काढ़ना है अच्छी तरह से, एक से दो उबाल आने चाहिए, ये अच्छी तरह से पकना चाहिए, तो फिर ही इसका दही बनेगा। तो दूसरी बात ये है कि दूध खालिस होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, फिर जो दही की ग्रेस है वो बहुत ही परफेक्ट होती है, मतलब बहुत परफेक्ट दही जमता है। तो ये देखिए कि आग फुल तेज़ रखी हुई है, कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मोटी ताज़ी भी है, इसलिए जनाबे वाला इसके नीचे आग जो है ये ज़रूर तेज़ रखना पड़ती है, ताकि ये जल्दी भी हो जाए और इसको जो कढ़ाई है इसके नीचे स्लो आग रखी भी नहीं जाती, क्योंकि इसका जो लोहा है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए आग तेज़ होगी तो ये जल्दी से दूध जो है ये तैयार होगा। तो मुसलसल से इसको मतलब हलाते रहना है, 2 से 3 मिनट बाद इसको ज़रूर हलाना है, क्योंकि ये जो दूध है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी नीचे चिपकता है। ये देखें कि खुरपा भी जो है ये कढ़ाई की तरह ही बनवाया हुआ है, इसलिए कि कोई भी चीज़ जो है इसके साथ चिपके ना, अगर चिपक जाए तो वो फौरन से उतर जाए, कढ़ाई के तले के साथ ना रहे। तो इसको हलाना इसलिए है कि ये दूध बहुत ज़्यादा जल्दी से चिपकता है नीचे, और जो जब चिपक जाता है इसी वजह से फौरन से जल्दी से खुरपे के साथ हलाते हैं कि जो नीचे चिपका है वो फौरन से उतर जाए, और जब वो उतरता है तो आपको दूध में ब्लैक से जो काले काले ज़र्रे होते हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। वो ज़र्रे आपको जब नज़र आएंगे तो उन ज़र्रों का कोई मसला नहीं होता, उनको मतलब पुन लेना होता है, छान लेना होता है छालनी के साथ, और छान के फिर ही ये जो दही जमाते हैं, मतलब दही के जो बर्तन होते हैं उसमें दूध डालते हैं, पहले ये छानना पड़ता है। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपको जो ताज़ा दूध है वो मिले, ठीक है जी। ताज़ा दूध जो होता है वो मतलब एक दिन का जो दूध होता है वो समझ ले कि वो ताज़ा ही होता है। तो ये देखिए कि छलनी रखी हुई है और साथ साथ में ये जो ज़र्रे नीचे से तले के साथ दूध लगता है तो फौरन ही ये खुरपे के साथ जो है उसको साफ़ कर देते हैं और वो ऊपर ज़र्रे बन के आ जाता है और उसको निकाल लेते हैं छलनी के साथ। ये देखेंगे इसमें अभी कच्चा दूध कढ़ाई में और डाला जा रहा है, और जब ये फुल होगी तो फिर ये आहिस्ता से जब ये गर्म हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे। इसका मतलब गर्मी का प्रोसेस और होता है और सर्दी का प्रोसेस और होता है। दूध गर्म करने का तो सिंपल ही तरीका होता है, सेम ही तरीका होता है गर्मी सर्दी में। जो अगला तरीका होता है कि दही जमाने का, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ जाता है सर्दी और गर्मी का। तो जो कारीगर हजरात होते हैं वो तो सारा कुछ जानते हैं, मतलब सारा काम गर्मी सर्दी का पता होता है, तो जो नए लोग होते हैं वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अब ये चेक करें कि दूध जो है इसको उबाल आना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा कि ये दूध उबल रहा है, मतलब इसको उबाल आने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये देखें कि इनके पास एक जग है और जग के साथ इसको फेंटना है ऊपर से, इसके ऊपर झाग है या कुछ थोड़ी बहुत ऊपर इसके मलाई होगी, वो सारी की सारी इसमें मिक्स हो जाएगी, और जग के साथ ये थोड़ा सा इसको फेंट देंगे कि ये दूध जो है ये सारा एक जैसा हो जाए। जो दूध सही होता है, मतलब खालिस दूध होता है, उसके ऊपर मलाई आती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी मलाई आती है, जाग आती है, मतलब सारा परफेक्ट होता है, दूध वो मोटा होना शुरू हो जाता है। जबकि ये करना शुरू हो जाए अच्छी तरह से ये पक जाए तो वो मोटा होना दूध शुरू हो जाता है, उसके ऊपर मलाई आना शुरू हो जाती है। तो ये चेक करेंगे ये उबाले खा रहा है, तो अब क्या करना है, अब आग को यहाँ से बंद कर देना है, क्योंकि दूध मुकम्मल से तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब जो है दही का कूड़ा इसमें दूध डालना है, ये देखिए कि छलनी साथ है, स्ट्रेनर इसके साथ छान कर डालना है, ऐसे नहीं डालना, छानना ज़रूर है। आप लोग बाजार से दही खाते हैं कि कितना ज़्यादा जो जायकादार होता है, जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छे कारीगर हैं, उन लोगों ने बहुत ही एक परफेक्ट दही जो है वो तैयार किया होता है। मिट्टी का कुंडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आजकल जो है ये स्टील का कुंडा बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ये दूध डाल डाल कर रखेंगे, सारी की सारी जो कढ़ाई वाला दूध है वो अब दही के लिए होगा, और दही का जो प्रोसेस है ये अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 3 का, ठीक है जी।
तीन बज चुके हैं, 3 बजे ये सारे मुकम्मल जो कुंडे हैं ये हो जाएंगे तैयार। तो 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक इसको ठंडा करना है, इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा करना है। ये देखेंगे अभी टाइम हुआ है 4:15, ये सारे के सारे कुंडे जो हैं वो पहले तैयार करके रखे हुए थे और 3 बजे का टाइम था जब ये मुकम्मल से तैयार हो चुके थे। उसके बाद 1.25 घंटे के बाद इनको चेक करना है, इसका टेम्परेचर, और इसको जाग लगानी है। ठीक है, जाग का मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 चम्मच जो दही है, खालस दही होता है, 1 चम्मच दही में आपने 5 चम्मच जो है ये पानी के डालने हैं। मतलब जो खाने का चम्मच आप लोग अगर दही का इस्तेमाल करें तो उसमें 5 चम्मच आपने पानी के डालने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, मतलब कोई किसी किस्म की इसमें कनी वगैरह को ज़रा वगैरह ना रहे। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से पतला करके फिर आपने इसको जाग लगानी है। ठीक है, ये जाग आपके सामने है कि 1 चम्मच दही का है और 5 चम्मच जो है ये हैं पानी के, और अच्छी तरह से इसको हल करके फिर लगाना है। तो आधा जो खाने का चम्मच है, ये देखें कि आधे से भी थोड़ा सा कम इसको जाग लग रही है। आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि आपने दूध को पहले ठंडा करना है, मतलब नीम सा गर्म करना है, रखना है, फिर इसको जाग लगानी है। जाग भी बिल्कुल पतली होनी चाहिए गर्मी के मौसम में, कि 1 चम्मच दही है और 5 चम्मच जो है ये पानी है, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर इसको लगाना है। और ये जो 4:15 बजे दिन के जाग लग रही है, उसके बाद ये दही तैयार होगा 10 बजे रात को। ये जाग वाला प्रोसेस जो है वो होता है यहाँ पर खत्म। तो अब आगे क्या करना है, आगे इसको ढांप देना है, मतलब कपड़े के साथ। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा हो या पतला हो कोई मसला नहीं है गर्मी में, लेकिन सर्दी का और तरीकाकार होता है। तो ये देखेंगे ये दोनों साइडों से ही इसको ढांपेंगे अच्छी तरह से कपड़े के साथ, और मतलब अच्छी तरह से ढांपना है कि इसमें जो हवा है वो दाखिल ना हो। तो 4:15 जो हैं ये बजे हैं दोपहर के, मतलब उसके बाद ये 10 बजे रात के दही जो है ये मुकम्मल से तैयार हो जाएगा। और अगला प्रोसेस है कि इसको जब ये दही तैयार होगा तो इसको फ्रीज कर लेंगे, क्योंकि ना ही ये फिर खट्टा होगा और ना ही ये पानी छोड़ेगा। अगर थोड़ी सी हीट इसको लग गई गर्मी में तो ये खट्टा भी हो जाएगा और पानी भी छोड़ देगा। तो ये चेक करेंगे रात के 10 बजे दही माशाल्लाह से परफेक्ट मुकम्मल से तैयार हो चुका है। अब क्या करना है कि अब इसको फ्रीज कर देना है। अगर फ्रीज ना करेंगे तो ये दही पानी छोड़ जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा, बेजायका हो जाएगा, इसका किसी किस्म का कोई जायका नहीं रहेगा गर्मी के मौसम में। ये चेक करें कि ये सारा का सारा दही जो है ये फ्रीजर में लगाते हैं, मतलब साथ साथ लगाए जाते हैं और साथ साथ सेल करते जाते हैं। तो ये गर्मी का तरीका है कि इसको फ्रीजर जरूर करना है। जब आप देखें कि दही जो है ये मुकम्मल से जम चुका है और दही जम जाए तो आप फ्रीज कर लें, फिर ही दही बचेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं और होता। क्योंकि थोड़ी सी हीट अगर लग गई तो सारा का सारा दही जो है ये खराब हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको फ्रीज जरूर करें, अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है। और आप लोग जाग भी सही लगाते हैं, टाइम भी इसको पूरा देते हैं, सारा कुछ गर्मी में करते हैं, लेकिन फिर भी आपका दही जो है ये गाढ़ा नहीं होता, पानी छोड़ता है, खट्टा हो जाता है। वजह सिर्फ ये है कि फ्रीज इसको आप लोग नहीं करते। तो इसको ज़रूर फ्रीज किया करें जब ये जम जाता है उसके बाद। तो जनाबे वाल, बहुत शुक्रिया है वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।